और एक बड़ी खबर आ रही है, ताजा खबर आ रही है कि चीफ जस्टिस, भारत के चीफ जस्टिस कल नाराज, चार नाराज जजों से बात कर सकते हैं। चीफ जस्टिस पर ही इन जजों ने आज आरोप लगाया, अटॉर्नी जनरल इसमें मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है, चीफ जस्टिस हैं कल नाराज जजों से बात कर सकते हैं। और हमारे साथ इस समय निपुण सहगल हैं लाइन पर। निपुण, क्या ताजा जानकारी है आपके पास? देखिए, आज जब चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात हुई अटॉर्नी जनरल की, तो उन्होंने सलाह दी कि आप जजों से बात करें, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये कोई ऐसा विवाद नहीं था जिसको लेकर मीडिया में जाने की जजों को जरूरत थी। अगर वो इस हद तक गए हैं तो ये देखना पड़ेगा कि नाराजगी की वजह क्या है। तो ऐसे में अटॉर्नी जनरल की सलाह है और चीफ जस्टिस कल बात कर सकते हैं सभी जो चारों जज हैं जिन्होंने नाराजगी जताई। हालांकि हमारे सूत्रों के मुताबिक इनमें से दो जज संभावना है कि अपने किसी पूर्व कार्यक्रम की वजह से दिल्ली में ना हो, तो उनसे फोन पर भी बात की जा सकती है, लेकिन चारों जजों से मिलेंगे चीफ जस्टिस और उनसे सुलह की कोशिश करेंगे। ये एक बात है जो कि अटॉर्नी जनरल ने सलाह दी है। ये भी एक वजह है कि अब सुबह हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से न्यायपालिका की तरफ से और कोई बयान नहीं आ रहा है जिससे कि स्थिति और बिगड़े, तो कल एक बैठक हो सकती है। और जैसा कि अटॉर्नी जनरल ने अपने बयान में भी कहा है कि कल तक विवाद सुलझा लेने लिया जाएगा, ऐसी उन्होंने एक बयान दिया था। तो साफ तौर पे वो मध्यस्थता कर रहे हैं और उनका खुद बड़ा सम्मान है और उनकी कोशिशें शायद रंग ला सकती हैं, ऐसा हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। धन्यवाद निपुण, इस खबर पर नजर रखिएगा, इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। बड़ी खबर है, क्या कल बातचीत होगी, क्या सुलह सफाई की बात होगी? ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।